नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। जब भी कोई क्रिकेट जगत के सबसे बड़ी राइवलरी की बात करता है तो उसके जहन में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का जिक्र जरूर आता है। दरअसल यह मैच हमेशा से रहा ही इतना दिलचस्प है कि यही वजह है कि क्रिकेट प्रशंसक भी इस मैच का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कोरोना से पहले जब पूर्ण रूप से स्टेडियम में जाकर मैच देखने की अनुमति होती थी तब तो आलम और भी देखते ही बनता था। मैच के महीनों पहले ही सारी मैच टिकट्स बिक जाया करती थी और अगर यह विश्व कप हो तो साल भर पहले से ही मैच टिकट्स का सूखा पड़ जाता था। साल था 2011, मौका विश्व कप का तो जाहिर है, खेल प्रेमियों की निगाहें मैच पर टिकी हुई थी। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच वनडे क्रिकेट विश्व कप का सेमीफाइनल मैच होना था। सबकी निगाहें मैच पर अड़ी थी, कोई राष्ट्रीय छुट्टी ना होने के बावजूद भी सड़कें खाली थी। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नौते पर इस्लामाबाद से पाकिस्तान पीएम यूसुफ गिलानी भी आ रहे थे मैच देखने और मनमोहन से वही मुलाकात करने। उस दिन हर भारतीय के जहन में भारत पाकिस्तान 2007 मैच की यादें थी जिसमें भारत ने पाक को धूल चटाई थी। इस मैच को कवर करने हर पत्रकार पहुंचे थे, मौका भारत पाक मैच का तो था ही, साथ ही यह सचिन का आखिरी वर्ल्ड कप भी था जिस वजह से खेल प्रेमी इस मैच पर निगाहें डाले हुए थे। पाकिस्तानी कप्तान शहीद अफरीदी ने मैच से पहले कहा था, मुकाबले में हम भी जान लगा देंगे। शहीद अफरीदी का यह कहना था कि भारतीयों में और गर्मजोशी आ गई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सचिन के 85 रनों की बदौलत 7 विकेट खोकर 260 रन बनाए थे। यह एक ऐतिहासिक मैच था। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान को टारगेट से 29 रन पहले ही पवेलियन लौटा दिया। जाहिर, नेहरा, मुनाफ, पटेल, बज्जी और युवराज ने दो दो विकेट लिए थे। क्रिकेट जगत के इस खास राइवलरी में इस बार एक नया रंग घुलता नजर आ रहा है और वह पाकिस्तानी आतंक का, जहां एक और सभी को 24 अक्टूबर को होने वाली सबसे बड़ी राइवलरी का इंतजार है। वहीं देश के कई राज्यों में इस मैच को रद्द करने की मांग हो रही है। दरअसल बीते हफ्ते जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी कायराना हरकत के चलते भारत के 9 जवान शहीद हो गए थे। वहीं इसके कुछ दिनों बाद कश्मीर में ही बेगुनाह गोलगप्पे बेचने वाले की पाकिस्तानी आतंकियों ने जान ले ली थी। इसके बाद मृतक के पिता ने यह अपील की थी कि 24 अक्टूबर को भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। इसके बाद से देश भर में इस मैच को रद्द करवाने की मांग उठने लगी है। बता दें कि इन दिनों देशों के बीच होने वाले मुकाबले से बड़ा क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता। हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान किसी भी प्रारूप में खेले उसकी हाइप सामान्य मैचों की तुलना में आश्चर्यजनक तौर पर अधिक रहती है। एक बार फिर से इस साल विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम यहां जीत की दावेदार है क्योंकि विश्व कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एकदम क्लीन रिकॉर्ड है। आज तक विश्व कप के दौरान भारत पाकिस्तान पर जीत दर्ज नहीं कर पाया है। भारत ने अब तक 5 बार T20 मुकाबलों में विश्व कप के मंच पर पाकिस्तान को मात दी है। वहीं इसी प्लेटफॉर्म पर विश्व कप के दौरान 7 बार वनडे भी पाकिस्तान की जमकर धुलाई हो चुकी है। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।